आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा नामक चतुर्थी कहा जाता है, जो कि इस बार वर्ष 2020 में 11 अप्रैल दिन शनिवार को है। इस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के दाता तथा विघ्नों को हरने वाले हैं तथा मन वांछित फलों को देने वाले हैं। इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। प्राचीन काल में रंती देव नामक राजा के नगर में धर्म केतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला तथा दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलत उसने अपने शरीर को बिल्कुल दुर्बल बना लिया था, जबकि चंचला कोई भी व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। कुछ समय बाद दोनों ब्राह्मण पत्नियां गर्भवती हुई। सुशीला ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तथा चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर चंचला का अहंकार सातवें आसमान को छूने लगा और वह सुशीला को ताना देने लगी कि तुमने तो बहुत से व्रत उपवास करके अपने शरीर को भी जर्जर बना लिया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैंने कभी व्रत पूजा नहीं की। मेरा शरीर भी हष्ट पुष्ट है और वैसे ही हष्ट पुष्ट पुत्र को मैंने जन्म दिया है। वह पतिव्रता सुशीला विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। एक समय जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे सुशीले, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी और शीघ्र ही तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी के वरदान स्वरूप सुशीला की कन्या के मुख से निरंतर मोती मूंगा झरने लगे और शीघ्र ही उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसके पति ब्राह्मण धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेट अपने पुत्र को ले दूसरे स्थान पर चली गई, परंतु सुशीला वहीं अपने पति के घर में रहते हुए अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। पुत्री के मुख से झरते मोती मूंगा के कारण सुशीला की आर्थिक स्थिति भी शीघ्र मजबूत हो गई और उसके पास बहुत सा धन हो गया। दूर रहकर भी चंचला ने उसका पीछा न छोड़ा। सुशीला के बढ़ते वैभव को देखकर एक दिन चंचला ने उसकी पुत्री को धोखे से कुएं में धकेल दिया, परंतु वहां भी गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की।
और वह सकुशल अपनी माता के पास वापिस लौट आई। जब चंचला ने देखा कि वह बालिका जीवित कुएं में से निकल आई है, तो वह पश्चाताप करते हुए सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। वह सुशीला के पास गई और चरणों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी और बोली, मैं बहुत बड़ी पापिन और दुष्टा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। हे बहन, तुमने अपने अच्छे कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। चंचला को इस प्रकार पश्चाताप करते देख सुशीला ने उसे माफ करते हुए गले से लगाया और फिर दोनों मिलकर कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। गणेश जी की कृपा से दोनों में प्रेम भाव हो गया, मिलकर रहने लगी और गणेश जी की कृपा से उनके घर में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, संकट विनाशक रिद्धि सिद्धि के दाता, जैसी कृपा आपने सुशीला पर की वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।